हेलो गाइस, ये देखिए आज हम जयपुर आए हैं और आपको दिखाती हूँ 7th फ्लोर से जयपुर सिटी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप देखिए। बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखिए पूरा जयपुर यहाँ से दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए और ऊपर ये देखिए स्विमिंग पूल है, ये देखिए स्विमिंग पूल भी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम जा रहे हैं जयपुर और आज है कलर वाली होली का दिन, तो बच्चे पीछे सोए हैं दोनों गाड़ी में और बिल्कुल भी रोड पे भीड़ नहीं है, आज सारा खाली पड़ा है। इतना ट्रैफिक होता है लेकिन बिल्कुल भी दिल्ली जयपुर हाईवे पे भीड़ नहीं है, आप देख सकते हैं। कोई कोई गाड़ी हमको दिखाई दे रही है, बिल्कुल खाली रोड है। मन तो कर रहा था कि मैं भी ड्राइव करूं, पर गाइस मुझे ना थोड़ी थोड़ी वीडियो बनानी थी इसीलिए मैं ड्राइव नहीं किया मैंने ड्राइव। तो यहाँ पे ये देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही कम गाड़ियाँ रोड पे दिख रही हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है। तो गाइज आप भी हमारे साथ जयपुर घूमना, बहुत ही अच्छी सिटी है जयपुर, और जयपुर की मैं 2-3 वीडियो डालने वाली हूँ। तो गाइज ये हमारा आज फर्स्ट डे है, आज हम जा रहे हैं, तो आप भी वीडियो को एंजॉय कीजिए। अब हम पहुंच गए फूड स्ट्रीट, तो ये दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच में है फूड स्ट्रीट। ये जो पहले होता था ना मिडवे, उसी तरह का ये फूड स्ट्रीट बना हुआ है। तो मिडवे तो अब ऑलमोस्ट बंद हो गया है और ये फूड स्ट्रीट जहाँ पे वोल्वो बसें वगैरह रुकती हैं। तो जब भी हम जयपुर आते हैं या फिर जयपुर से दिल्ली आते हैं तो इस फूड स्ट्रीट पर ज़रूर रुकते हैं, जिस जिसको जो खाना होता है खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो गाइस चलिए अंदर से दिखाती हूँ आपको मैं फूड स्ट्रीट, और बहुत ही धूप है गाइस, आँख भी नहीं खुल रही है धूप से। तो ये बिल्कुल हाईवे पे है, तो जैसे हम दिल्ली से जयपुर आते हैं तो ये लेफ्ट साइड में है ये फूड स्ट्रीट, और ऑलमोस्ट इस पर सब कुछ मिलता है खाना पीना। तो चलिए अंदर बैठते हैं और देखते हैं किस किस को क्या खाना पीना है। वैसे तो हम खाना खा कर ही आए थे पर बच्चे साथ में होते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए होता है। काफी बड़ा बना हुआ है गाइस, और मैं यहाँ बैठ गई हूँ और बच्चे अपना ऑर्डर करने गए जो जो जिसको चाहिए। तो ये देखिए आप अंदर से कितना बड़ा बना हुआ है, KFC, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, इसमें सब कुछ है, जिसको जो पसंद होता है बच्चे वही खाना इसमें ऑर्डर कर सकते हैं। चाय वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिलती है इसमें। तो ये देखिए अच्छी सुविधा है, ये इतनी अच्छी सुविधा तो जो मिडवे था उसमें भी नहीं थी गाइस। तो आप कभी भी दिल्ली से जयपुर आए तो बीच में ये फूड स्ट्रीट पे ज़रूर आए। तो ये देखिए हस्बैंड ने चाय ऑर्डर करी है और मैंने कोल्ड ड्रिंक, और बच्चे अपना बर्गर वगैरह। तो यहाँ पे देखिए चाय और कोल्ड ड्रिंक हमारी हो गई है, और यहाँ पे फूड स्ट्रीट के बाहर एक भैया बैठते हैं अचार वगैरह बनाते हैं। ये देखिए तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ से अचार जरूर लेकर जाती हूँ। तो यहाँ पे सब तरह के अचार रखते हैं ये भैया। तो
अब हम यहाँ से फ्री हो गए हैं फूड स्ट्रीट से, जिसको जो खाना पीना था वो खा लिया है और अब फिर आगे के लिए चल पड़े हैं जयपुर के लिए। तो ये मिड में पड़ता है, मतलब दिल्ली और जयपुर के बीच में है ये जगह फूड स्ट्रीट। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं जयपुर। तो ये देखिए गाइस, हम जयपुर पहुंच गए और ये हमारा रूम है। तो बच्चों का रूम बिल्कुल हमारे रूम के सामने है और ये हमारा रूम है। तो यहाँ पे ये वॉशरूम है जहाँ पे ग्लास लग रहा है और ये टीवी है, मतलब बहुत अच्छा रूम है ये। और ये 7th फ्लोर पे है, तो यहाँ से पूरा जयपुर दिख रहा था। ये देखिए मैं पर्दा हटा कर दिखाती हूँ, पर क्या है कि धूप है तो ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है। क्योंकि मैं आते ही वीडियो बनाने लग गई थी तो दोपहर का टाइम था तो धूप बहुत है। तो कल हम बहुत घूमने वाले हैं जयपुर में, तो उसकी भी मैं वीडियो डालूंगी। तो गाइस आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। इसी तरह से मेरी और वीडियो आएंगी जयपुर सिटी की। सो गाइस ये तो हो गई हमारी ट्रैवल वीडियो, और कल मैं करने वाली हूँ बलून सफारी, तो वो वीडियो भी मैं डालूंगी, वेट कीजिएगा और वीडियो को फुल सपोर्ट।